नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प में। और आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ बहुत सारे अकाउंट्स के बारे में जिसमें मुझे कमेंट्स आए हैं। तो मैंने आज से सोचा कि मैं कुछ कमेंट्स के जो है जवाब वो यहाँ पर दे दिया करूँगा। और आपको जो भी इशू हुआ करेगा कोई भी अकाउंट रिलेटेड, यानी कि जैसे मैं पेटीएम्स के बारे में बताया है, ठीक है, पेटीएम्स के बारे में, और आपको यहाँ पर जैसे आते हैं जीमेल ईमेल के बारे में, ठीक है, और फेसबुक वगैरह के बारे में, यानी कि जो भी अकाउंट संबंधित आपकी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया, मुझे आया पेटीएम के न्यू अकाउंट बनाने से रिलेटेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आया न्यू अकाउंट, जब भी वो बना रहे हैं तो वहाँ पर कुछ समस्या आ रही है, दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट, इस तरीके का कुछ लिखा आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इस समस्या का आपका 100% जो है सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर लिखा होगा क्रिएट एंड न्यू पेटीएम अकाउंट, इस तरीके से, मतलब पेटीएम अकाउंट नया कैसे बनाए, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से एक नया अकाउंट बना सकते हैं। भले ही आपके कितने ही अकाउंट आप बना चुके हों, पासवर्ड भूल चुके हों, कोई भी दिक्कत हो, आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसको आप सेम टू सेम फॉलो कीजिए, आपकी 100% समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरी समस्या मुझे पेटीएम्स में जो है किस तरीके कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो वो पासवर्ड भूल चुके हैं, या पासवर्ड डालते हैं तो वो रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, ठीक है। उनका जैसे ही जो है पेटीएम में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हमें एक मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना पड़ता है। यदि पासवर्ड जैसे ही हम डालते हैं गलत पासवर्ड डल जाता है, तो वहाँ पर लिखा था रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, और या आप पासवर्ड यहाँ पर भूल ही चुके हैं। तो इन दोनों का भी वीडियो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है नया पासवर्ड बनाए, ठीक है। तो ये हो गया। और अगला जो सवाल आता है कि आपका जो ईमेल आईडी है, जो हम ईमेल आईडी बनाते हैं जीमेल पर, उसका यदि आप पासवर्ड जो है भूल चुके हैं तो उसका पासवर्ड का पता कैसे लगाए। मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये कि आप यहाँ पर देखिए लॉगिन भी है, फिर भी आप यहाँ पर जैसे जिस तरीके से लॉगिन है, लेकिन आपको पासवर्ड जो है भूल चुके हैं। हमने जब भी नया ईमेल आईडी बनाई थी उस समय हम पासवर्ड जो है भूल चुके हैं। तो मैं इस वीडियो की भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको किस तरीके से जो है पासवर्ड का पता लगाना है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक और कमेंट्स जो आ रहा था वो इस तरीके से था कि सर, हमने अपना जो है पेटीएम अकाउंट पहले लिंक किया था पेपल में, सॉरी बीगो वीडियो में, ठीक है, जो भी आप बीगो वीडियो से कमाई करते हैं, तो बीगो वीडियो में पहले हमने जो है पेटीएम अकाउंट लिंक कर लिया था, बाद में उसको हटा दिया है और फिर उसको लिंक कर रहे हैं तो वो लिंक नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप अपने पेटीएम अकाउंट का पासवर्ड जो है भूल चुके हैं, वरना ऐसा मैंने इसमें जो है 10 बार हटा दिया है और 10 बार इसको जोड़ भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नया पेटीएम अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पेटीएम का जो पासवर्ड है वो नया पासवर्ड कैसे जनरेट करें या पासवर्ड चेंज कैसे करें, ठीक है। तो इस तरीके की आपको मेरे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं और जो है अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको पेटीएम में जाना, वहां से अपना पासवर्ड चेंज कर लेना या नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर आकर के इसको लिंक कीजिएगा तो आपका अकाउंट आसानी से लिंक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला जो कमेंट्स था वो कुछ इस तरीके से था कि सर, यदि हमने जीमेल आईडी पर हम जितनी भी अपनी ईमेल्स बनाए हुए हैं वो यदि सारी देखना चाहते हैं कि हमने अपने एक मोबाइल नंबर से कितनी ईमेल आईडी बनाई हैं, वो हम कैसे देख सकेंगे, उनको जो है कैसे रिकवर कर सकेंगे, उनको कैसे पा सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको अपनी जीमेल में जाइएगा, जीमेल में ऐड अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से आप गूगल पर, आपने यदि बनाया है तो आप गूगल पर क्लिक कीजिए, या याहू पर बनाया है तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, जहाँ भी आपने बनाया हुआ है। तो फिलहाल गूगल पर ही जो है ज़्यादा बनाते हैं तो हम गूगल पर क्लिक कर देंगे, या आप क्रोम में जाकर भी जो है सीधे जीमेल का जो वेबसाइट है आप वहाँ से भी ओपन करके यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पहुँचना है आपको, यहाँ पर आपको फॉरगेट ईमेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है, आपके सारे अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, जो भी आप जिस मोबाइल नंबर से आप अपने सारे अकाउंट, भले ही आपने 10 अकाउंट क्यों ना बनाए हो, ठीक है,
तो वो आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर या ईमेल जो भी आप रिकवरी के लिए देते हैं वो आपको यहाँ पर डाल, उसके बाद यहाँ पर हमें जो है नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें जो कह रहा है कि ये फर्स्ट नाम और सेकंड नाम अपना लास्ट नाम डालें, ठीक है। तो जो भी आपका नाम है, जैसे जो भी आप डालते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डालूँ मेरा नाम राजीव कुमार है तो मैं यहाँ पर राजीव कुमार डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर नाम डालूँगा, तो जैसे ही मैंने वहाँ पर नाम डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गूगल विल सेंड वेरिफिकेशन कोड टू, ठीक है, इस नंबर पर ये जो है वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं सेंड भेज दीजिए, ठीक है। तो हम सेंड पर नीचे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो हमें एक ओटीपी जो है मैसेज के द्वारा वो भेज देगा, वो हमें ओटीपी कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर हमें जो है कर देना है नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो है एक ये अकाउंट जो है आपका इस नंबर पर इस नाम से बना हुआ है, ठीक है। नाम देखिए डिफरेंस हो सकता है, आपने हो सकता है कोई अलग अलग नाम डाला हो, जैसे मेरा नाम राजीव कुमार है तो मैंने अकेला राजीव डाल दिया हो, या राजीव ऊपर राजीव कुमार जो है यूज़र नेम में डाला हो। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो है किस तरीके से, देखिए आपको यहाँ पर जो है नाम चेंज करके देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहले डाला था केवल राजीव और यहाँ पर केवल कुमार डाला था, लेकिन इस तरीके से शो नहीं हुआ था, तो फिर मैंने पूरा यहाँ पर राजीव और नीचे कुमार इस तरीके से डाल दिया। आपका नाम जो भी हो, देखिए मैं अपने उदाहरण के लिए बताता हूँ, या आप यहाँ पर दो बार राजीव और नीचे फिर राजीव कर दीजिएगा, ठीक है। ये मतलब जिस तरीके से हो, मतलब आप यहाँ पर नाम जब तक चेंज करते रहिए जब तक ठीक सही से ना आए, ठीक है। बस आपको ये थोड़ा सोचना है कि मैंने जो है क्या नाम डाला होगा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। तो आपको मैंने आपकी सारी प्रोसेस बता दी, इस तरीके से आप वहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर ये ईमेल आईडी आ जाती है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं कि हाँ यह जो है मेरी ईमेल आईडी है। और यहाँ पर आपको ये बोलता है कि आप अपना पासवर्ड डालें, तो जाहिर सी बात है जब ईमेल आईडी भूल गए तो पासवर्ड तो याद होगा ही नहीं, तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके आप जो है कर सकते हैं, वहाँ पर भी एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, तो आपको उसको कोड को डाल देना है, कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और फिर भी मैं इसका एक वीडियो जो है बना करके एक डाल देता हूँ, तो आपको उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप मेरे चैनल पर जाकर के वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, हम उसका आगे वीडियो बना करके या जो है कॉमेंट्स के द्वारा आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। और यदि आपको और भी इस तरीके के वीडियो देखने हैं, आपकी जो भी समस्या है मेरे चैनल पर जाकर के आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे चैनल पर आपको कैसे पहुंचना है, आपको जो नीचे टेक्निकल हेल्प लिखा दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप मेरे चैनल पर पहुंचेंगे, वहां पर आपको ऊपर लिखा दिख रहा होगा वीडियोस, तो आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे जो है मेरे वीडियो शो हो जाएंगे, आप वहाँ से मेरे वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है सारे अकाउंट रिलेटेड आपकी समस्या सॉल्व वहाँ पर हो जाएगी। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप कॉमेंट्स करके जरूर भेजिएगा, हम आपको इसका जो है जरूर वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए फ्रेंड इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।